दोस्तों आज मुख्यमंत्री अपने सचिवालय के अंदर दोपहर को अपने कैबिन के बाहर निकले, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है। थर्ड फ्लोर पे जहां पे मुख्यमंत्री का कैबिन है, अगर कोई लोग वहां पे गए होंगे तो वो जानते होंगे कि सेक्रेटेरिएट के घुसने के लिए भी आपको काफ़ी बड़े प्रोसीजर के अंदर से गुजरना पड़ता है, और अगर आप सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हो भी गए तो भी थर्ड फ्लोर पे जहाँ पे मुख्यमंत्री का कैबिन है वहाँ पे पुलिस किसी को खड़े भी नहीं होने देती। वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे क्यों हैं, आपको किससे मिलना है, और आपको तुरंत थर्ड फ्लोर से हटा दिया जाता है, क्योंकि गेट में घुसते ही मुख्यमंत्री का कमरा है। मंत्री मुख्यमंत्री वहीं पे मीटिंग्स वगैरह, कैबिनेट की मीटिंग भी सब वहीं पे होती हैं। आज जब मुख्यमंत्री अपने कैबिन के दरवाजे से बाहर निकले तो वहां पे उनके ऊपर एक व्यक्ति ने, जिसके हाथ में मिर्ची का पाउडर था, उससे उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर हमला किया, और उस अटैक के कारण मुख्यमंत्री का चश्मा टूट गया और वह व्यक्ति इस वक्त पुलिस की हिरासत के अंदर है। दोस्तों गंभीर बात यह है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर कई बार अटैक करने की कोशिश की गई है। दशहरे पे मुख्यमंत्री के घर पे, जहां पे कई लेवल की सिक्योरिटी है, वहां पे उनके कमरे के अंदर तक एक अननोन आदमी उन तक पहुंच गया था और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, ये इस दशहरे की बात है। 4 नवंबर को, मुझे लगता है 10 दिन पुरानी ही बात है, बाकायदा अनाउंस करके बीजेपी के सांसद और दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज तिवारी सिग्नेचर ब्रिज के प्रोग्राम में पहुंचे, अपने साथ पूरी की पूरी गुंडों की एक आर्मी लेके, पूरी की पूरी एक मॉब लेके वहां पे पहुंचे। मुख्यमंत्री जब स्टेज पे थे तो उनके ऊपर बोतलों से हमला किया गया। वहां पे भी पूरे माहौल को, ये समझिए, एक तरीके से रैनसैक करने की कोशिश की गई सबके सामने है। और आज ये घटना जो सेक्रेटेरिएट के अंदर हुई है, हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर हुई है, इसे एक बात साफ है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को बचा नहीं पा रही। जब एक मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक किया जाता है सिग्नेचर ब्रिज पे, उस मामले में क्या हुआ अभी तक? क्या किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ? क्या किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया? क्या पुलिस ने किसी से पूछताछ की? नहीं की। 20 फरवरी को दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर पूरी की पूरी एक मॉब 200-250 आदमियों की थर्ड फ्लोर सेक्रेटेरिएट पे इकट्ठा होती है, मिलकर वो लोग इमरान हुसैन, हमारे जो मंत्री हैं, और उनके स्टाफ को पीटते हैं। सारी की सारी घटना सीसीटीवी पे कैद है, अभी तक पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की है, कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई। तो जो पूरा का पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है, जो बीजेपी जो माहौल बना रही है, वो ये है कि एक साफ साफ संदेश दिया गया है हर असामाजिक तत्व को, हर बीजेपी के कैडर को, कि अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायकों पे, मंत्री पे या मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करेंगे या इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी की पूरी जो पुलिस की प्रणाली है, पूरी की पूरी केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी, आपको कभी जेल नहीं होगी, आपका नाम सुर्खियों में लिखा जाएगा, आपको बढ़ा चढ़ा के, जैसे नाथूराम गौडसे को बढ़ा चढ़ा के भाजपा आज पेश करती है, ऐसे बढ़ा चढ़ा के आपका नाम हम लोग स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखवाएंगे अगर आप अरविंद केजरीवाल की मृत्यु का कारण बनते हैं। ये एक मैसेज है जो साफ साफ तरीके से
पूरे के पूरे समाज के अंदर जितने भी असामाजिक तत्व हैं, रोग एलिमेंट्स हैं, मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, उन सबको एक सीधा सीधा मैसेज दिया हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं। मान लीजिए आप अपनी कोई स्टोरी कवर करने कहीं गए हैं और आपको वहां पे जिसके खिलाफ आप वो स्टोरी कवर करने गए वो मिलके आपको पीटते हैं और पुलिस उन लोगों का कुछ नहीं करती। आप अगली स्टोरी कवर करने जाते हैं, आपको वहां पे जो नेता जिसके खिलाफ आप स्टोरी कवर कर रहे हैं वो मिलके, उसके गुंडे मिलके आपको पीटते हैं, आपके ऊपर, आपकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो क्या आप इस देश में पत्रकारिता कर पाएंगे? क्योंकि ऊपर से मैसेज ये दे दिया गया हर क्रिमिनल को, हर रोग एलिमेंट को, कि अगर आप इनके ऊपर हमला करेंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, पूरी की पूरी व्यवस्था आपको बचाएगी। आज का हमला भी इसी तरीके के किसी क्रिमिनल एलिमेंट ने किया है। मेरे को पूरा यकीन है इसके तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा से जुड़े हुए होंगे। हमारी लड़ाई कांग्रेस से भी है, मगर फिर भी हम यकीन से कह सकते हैं, हमारे प्रतिद्वंद्वी दोनों हैं, मगर फिर भी हम यकीन से कह सकते हैं, मैं यहां पे यकीन से कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के तार इससे जुड़े हुए होंगे और किसी ना किसी तरीके से जो पूरा का पूरा माहौल बनाया गया है, जो प्रायोजित किया गया है भाजपा द्वारा कि आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करें, उसको मौत के घाट उतार दें, पूरा का पूरा मोदी का प्रशासन आपकी मदद करेगा, आपका बाल भी बाका नहीं किया जाएगा, ये मैसेज साफ साफ पूरे देश में दिया जा रहा है। आने वाला वक्त बहुत कठिनाइयों वाला वक्त है। हमारे ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाहे सरकार गिराने के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे सीबीआई छोड़ने के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे छापा मारने के एक्सपेरिमेंट हो, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर पूरे देश में उसको दोहराया जाता है। ये जो मुख्यमंत्री को मारने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली में आज किया जा रहा है, कल बाकी पार्टियों पे भी होगा, पत्रकारों पे भी होगा, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके ऊपर ही होने वाला है। भाजपा निंदा भी कर रही है और भाजपा के नेता इतने बेशर्म हैं, इतने गिरे हुए हैं, इतने घटिया हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने ऊपर अटैक करा लिया, तो भाजपा के बारे में क्या कहा जा सकता है जब उनके सांसद खुद गुंडों की भीड़ लेके मुख्यमंत्री पे एक अटैक कर चुके हैं 2 हफ्ते पहले।